गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटे आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा एलसी ऑसिलेशन. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस. बेटे ये एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं? एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं? ऑसिलेशंस इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, दीज आर द ऑसिलेशंस इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ये ऑसिलेशंस किस में होते हैं? कैपेसिटर में और इंडक्टर में होते हैं. ऑसिलेशंस इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैसे होते हैं? ये ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. दीज ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. क्लियर है? अच्छा बेटे, देखो हमारा प्रोसीजर कैसे रहेगा. हम पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं. हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है एंड यहां पर एक की लगा दी हमने, K2 की लगाई. थ्रू दिस कैपेसिटर हमने एक यहाँ पर बैटरी लगाई और एक की यहाँ पर लगा दी. दिस इज की K1. बेटे ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास सबसे पहले, स्टेप भी नहीं है, सबसे पहले K1 को क्लोज करते हैं और K2 रिमेन्स ओपन. K1 को क्लोज किया हमने, K1 को क्लोज किया. जैसे ही इस K1 को क्लोज करेंगे, ये हमारे पास DC बैटरी है, करंट विल फ्लो थ्रू हेयर. यहां से करंट फ्लो होगा. लेट I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है. एंड दिस करंट इज चार्जिंग करंट. ये करंट कौन सा है? चार्जिंग का करंट है भाई. ये करंट कौन सा है भाई? चार्जिंग का करंट है. समझ में आया या नहीं आया? ये जो करंट था, ये करंट कौन सा है? चार्जिंग का करंट है. ये इस सर्किट के अंदर से तो करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि की ओपन है. तो करंट कहां पर जाएगा? यहां पर. ये चार्जिंग का करंट कब तक फ्लो होगा? जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता. उसके बाद DC फ्लो नहीं होगा, बिकॉज कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है तो वो DC को क्या कर देता है? ब्लॉक करता है. तो ये चार्जिंग का करंट कब तक फ्लो होगा? टिल द टाइम व्हेन कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड. जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब तक DC का यहाँ पर करंट फ्लो होगा. उसके बाद ये कैपेसिटर इस DC को ब्लॉक कर देगा. हमारा कैपेसिटर क्या हो गया बेटे? अब फुल्ली चार्ज. हम किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं? K1 को क्लोज किया, K2 को ओपन किया, I करंट, और ये कौन सा करंट है? चार्जिंग करंट फ्लो हुआ. चार्जिंग करंट फ्लो कब तक होगा? टिल कैपेसिटर बिकम्स फुली चार्ज. कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज कब तक होगा बेटे? ये जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, तब तक ये करंट फ्लो होगा. उसके बाद ब्लॉक कर देगा. आफ्टर दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. उसके बाद DC को ब्लॉक कर देगा. क्लियर हुआ यहां तक? फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर देखो, सॉरी, अब ये DC को ब्लॉक ही कर दिया तो ये सर्किट हमारे कोई काम का नहीं रहा. ठीक है? एंड रिमूव द बैटरी. हमने बैटरी को अब क्या कर दिया बेटे? रिमूव कर दिया. अब बैटरी को क्या कर दिया स्टूडेंट्स? हमने रिमूव कर दिया यहां से. पक्का है? आ गया समझ में? नाउ द बैटरी इज रिमूव. ओके, तो अब हमारा ये सर्किट रह गया.
ये सर्किट बन गया, क्लियर। ये सर्किट बना है, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम, ये हमारा क्या है बेटे, फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर को भी ध्यान हो बेटे, चार्ज स्टोर होगा, क्यू कितना हो जाएगा बेटे, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट, क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू नोट के इक्वल होगा एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, के टू ओपन है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, चार्ज कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट, और ये क्या होगा, दिस इज मैक्सिमम चार्ज, ये कौन सा चार्ज रहेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर टोटल एनर्जी रहेगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में होगी, और वो एनर्जी होगी हमारी हाफ क्यू नोट स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू नोट स्क्वायर बाय सी, क्लियर है बेटे। और फॉर्म हमने क्यों नहीं ली, सी वी वाला फॉर्मूला नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल की हम बात नहीं कर रहे, हम चार्ज और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो क्यू नोट स्क्वायर बाय सी, ये टोटल एनर्जी रहेगी फर्स्ट स्टेप में। जब आप बुक खोलोगे बेटे, आपकी बुक के अंदर आठ डायग्राम बना रखे हैं, उनमें से ये फर्स्ट डायग्राम है। ये कैपेसिटर यहाँ पर की ओपन है, तो यहाँ करंट कितना जाएगा, जीरो करंट जाएगा। इस टाइम पे यहाँ पर तो कोई एनर्जी बनेगी नहीं, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी इन टू आई है, ठीक है, या आई स्क्वायर इन टू आर है। अब करंट ही नहीं है तो एनर्जी कैसी, तो यहाँ से तो कोई एनर्जी जाएगी नहीं, कंप्लीट एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तो इस इंडक्टर के थ्रू जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, वो एनर्जी तो है ही नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और मैग्नेटिक एनर्जी को यू वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, जीरो होगी, वो कितनी होगी, जीरो। पक्का है, इसको नोट करो एक बार, स्क्रीनशॉट लो, ओके। सेकंड स्टेप हम करते हैं बेटे, आप कर लिया नोट, बड़े ध्यान से करना है। सेकंड स्टेप हम करने जा रहे हैं, सेकंड स्टेप के अंदर फर्स्ट डायग्राम आपका ऐसा ही है आपकी बुक में, सेकंड डायग्राम हमने की को क्लोज किया, की के टू को क्या कर दिया बेटे, क्लोज कर दिया, यहां पर इस के टू की को क्लोज किया, तो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ये दिस इज कैपेसिटर, ठीक है, के टू जो है अब वो क्लोज हो गया, क्लोज। अब K2 क्लोज हुई तो डियर स्टूडेंट्स यहां से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ये करंट जाएगा, आई दिस करंट इज नोन एज डिस्चार्जिंग करंट, ये हमारा करंट कौन सा है स्टूडेंट्स, डिस्चार्जिंग करंट, क्योंकि अब हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। नाउ आवर कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, दिस करंट इज डिस्चार्जिंग करंट। अब यहाँ ये करंट जब इस कॉइल में पहुंचेगा, तो इस कॉइल की एक प्रॉपर्टी है, जब चेंजिंग करंट कॉइल के अंदर पहुंचेगा, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा, क्लोज सर्किट है तो बेटे करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो वहां पर क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, होता है या नहीं होता। फिर से यहां से करंट डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, ये करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, और अगर वेरिएबल करंट चेंज यहाँ पर जाएगा, तो इस कॉइल की प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, कि ये कॉइल चेंजिंग करंट को, जो इंक्रीजिंग करंट है उसको अपोज करेगा। फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो डियर स्टूडेंट्स
करंट भी बनेगा, वो करंट बनेगा ओपोजिट डायरेक्शन में, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, अपोज करने के लिए बनेंगी। तो इस टाइम के ऊपर टोटल एनर्जी जो थी वो कुछ एनर्जी तो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में की फॉर्म में है, और कुछ एनर्जी स्टूडेंट्स किस फॉर्म में है, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में है और कुछ मैग्नेटिक की फॉर्म में। एक मिनट स्टूडेंट्स, क्लियर है भाई? अब K2 को क्लोज करेंगे, डिस्चार्ज होगा, अभी एनर्जी बनेगी। ये एनर्जी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करेंगे, हाउ मच विल बी दिस एनर्जी, ये एनर्जी कितनी होगी। तो के फर्स्ट आपने क्लियर हुआ, अब सेकंड के लिए करते हैं बेटे, तब तक आप इसमें नोट करो, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लो, हम टॉपिक को कर रहे हैं आगे। हाँ भाई, अब देखो हमारे पास क्या है। एट टाइम टी, एक मिनट बेटे, हाँ तो वो स्टार्टिंग था, टाइम जीरो था, अब कितना टाइम हो गया बेटे, एट टाइम टी, टी टाइम के ऊपर, एट टाइम टी, टी टाइम के ऊपर चार्ज इन कैपेसिटर, ध्यान से बेटे कंसंट्रेट करना, कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज बचा है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। हमने यहां पर साइन क्यों नहीं लिया, कोस ही क्यों लिया, एक मिनट भाई, ओके ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी ही क्यों लिया बेटे, ये कोस ओमेगा टी इसलिए लिया है हमने क्योंकि क्योंकि यहां पर देखो टाइम जब t इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, q इज इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा t, ओमेगा t की जगह पर जीरो पुट करेंगे, ओमेगा इंटू जीरो, ओमेगा cos जीरो, q इज इक्वल टू q नॉट, तो टाइम t जीरो पर चार्ज कितना था, q नॉट ही तो था। अगर आप यहां पर साइन पुट कर देते, q नॉट साइन ओमेगा t पुट कर देते, तो ओमेगा इंटू जीरो जीरो हो जाता, साइन जीरो जीरो होता, तो क्यों कितना होता, जीरो, क्लियर हो गया। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर द इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी हमने यहां पर ली है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है बेटे किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो वो एनर्जी कितनी होगी, क्यू की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t बाय 2c, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये क्या आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आई। करंट कितना होगा भाई, ये जो करंट है डिस्चार्जिंग का करंट, ये कितना होगा, करंट होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करना है, क्यू नॉट कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, डिफरेंशिएशन किया कोस का माइनस साइन, तो आई इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट।
या इसको हम और भी चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, चेक कर सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू नोट ओमेगा किसके इक्वल होता है 1 ओवर अंडर रूट एल सी के इक्वल होता है क्यू नोट बाय अंडर रूट एल सी साइन ओमेगा टी क्यू नोट बाय अंडर रूट एल सी साइन ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। आ गया समझ में? ओके एक मिनट भाई। तो ये हमारी करंट की इक्वेशन बनेगी बेटे I इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट अंडर रूट एल सी साइन ओमेगा टी। अब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी। मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला है बेटे म्यू बी से, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हाफ एल आई होता है हाफ एल आई स्क्वेयर। इसी चैप्टर में हमने कैलकुलेट की थी मैग्नेटिक एनर्जी। तो वैल्यूज जब पुट करेंगे यू बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आई की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं क्यू नोट एल सी क्यू नोट स्क्वेयर एल सी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। और माइनस का क्या हो जाएगा बेटे, माइनस का स्क्वेयर करेंगे कंप्लीट का ये प्लस हो जाएगा। देखो इसका भी स्क्वेयर और अंडर रूट का स्क्वेयर करेंगे ये हो जाएगा एल से एल कैंसिल। यू बी इज इक्वल टू हाफ क्यू नोट स्क्वेयर बाई सी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। तो इस टाइम पे जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इतनी है और जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी है वो इतनी है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक के इक्वल होगी क्यू नोट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी बाय 2c प्लस क्यू नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी बाय 2c क्यू नोट स्क्वेयर। एक मिनट बाद क्यू नोट स्क्वेयर बाय 2c कॉमन लिया हमने, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस में कोस स्क्वेयर ओमेगा टी। दिखाई दे रहा है भाई? ये देखना एक बार। चलो ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पर, इसको नोट करो यहाँ से बेटे, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको पहले आप नोट करो। टोटल एनर्जी जो होगी क्यू नोट स्क्वेयर बाय 2c हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस में साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। कोस स्क्वेयर ओमेगा टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी 1 के इक्वल है, क्यू नोट स्क्वेयर बाय 2c के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? तो बेटे पहले कितनी थी क्यू नोट स्क्वेयर बाय 2c थी, अभी कितनी है क्यू नोट स्क्वेयर बाय 2c। तो ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। और बेटे ये केस कब आया है, जब हमारा आइडियल कैपेसिटर है और हमारा आइडियल इंडक्टर है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर के लिए आया है। इट इज फॉर आइडियल कैपेसिटर एंड आइडियल इंडक्टर वेयर देयर इज नो रेसिस्टेंस, जहां पर रेसिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन थी कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में है, बट टोटल एनर्जी यही है जो पहले कैपेसिटर में थी। फिर बेटे इसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो 8वां डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और इसमें ये इक्वेशन से ही आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए जरूरी रहेगी कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी, किसी टाइम पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी,
ये हम एक न्यूमेरिकल जब करेंगे वहां पर आपको समझ में आ जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटे, देखो थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप में हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और कंप्लीट एनर्जी जो है बेटे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मींस मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एनर्जी बढ़ी है इसीलिए मैं दो लाइन लगा रहा हूं बेटे, यहां पर एनर्जी कम थी एक एक लाइन से रिप्रेजेंट किया, यहां पर एनर्जी बढ़ गई ये इस तरह से। क्लियर है? और दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन बेटे आप खुद ट्राई करो एक आधा टॉपिक, ठीक है। ये कब आएगा, जब यहां पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट होगा। क्लियर है? कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका है, करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम आएगा तो ये फुल फोर्स से फुल अपोजिशन करेगा। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, फोर्थ स्टेप में अब ये कैपेसिटर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज स्टोर होने लग जाएगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, और अब यहां पर जो एनर्जी थी मैग्नेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी। यहां पर एनर्जी का जो डायग्राम आएगा इस टाइम के ऊपर, कंप्लीट जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फॉर्म की एनर्जी होगी। कंप्लीट एनर्जी किस फॉर्म में होगी, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी रहेगी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी जीरो। क्लियर हुआ? हाँ भाई, आ रहा है समझ में? फोर्थ स्टेप के अंदर अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों मिलेंगी हमें। यहां पर अब करंट ये इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। फिफ्थ स्टेप में आप थोड़ा खुद सोचो क्या होगा, फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारा जो इंडक्टर है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में ये हो जाएगा भाई, जो इंडक्टर है हमारा ये कंप्लीटली क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यहां पर फिर से करंट कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू अब कितनी होगी बेटे, क्योंकि कैपेसिटर तो फुली चार्ज है, करंट कितना होगा, जीरो। और यहां पर कंप्लीट एनर्जी जो है किस फॉर्म में मिलेगी हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में मिलेगी, और मैग्नेटिक फॉर्म की एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। यहां पर कोई एनर्जी है ही नहीं तो जीरो हो जाएगी। ये स्टेप नंबर फिफ्थ था। स्टेप नंबर सिक्स के अंदर ये फिर रिवर्स होने लग जाएगा। स्टेप नंबर सिक्स में क्या होगा बेटे, ये रिवर्स, यहां पर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डायग्राम बनाते रहो साथ साथ, और हो सके तो बुक में से भी इस टॉपिक को पढ़ना। सिक्स्थ स्टेप के अंदर ये कैपेसिटर जो है ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये करंट आई, अब इधर से करंट, अब ये डिस्चार्जिंग करंट बनेगा। अब ये करंट कौन सा बनेगा, डिस्चार्जिंग का करंट बनेगा। इस टाइम पर यहां पर कुछ जो है एनर्जी बनेगी बेटे, वो मैग्नेटिक एनर्जी रहेगी, और इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। क्लियर है? अच्छा भाई, इस टाइम पे एनर्जी कौन सी होगी, इस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी रहेगी और मैग्नेटिक एनर्जी भी रहेगी। ये सिक्स्थ पार्ट था। सेवंथ पार्ट के अंदर क्या होगा, अब कंप्लीट एनर्जी जो है किस फॉर्म में जाएगी, हमारी जो कंप्लीट एनर्जी थी स्टूडेंट्स
कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, मींस करंट क्या हो जाएगा यहां पर, मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट आएगा, और यहां पर जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली किस फॉर्म में हो जाएगी, मैग्नेटिक की फॉर्म में हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? ये यहां पर ये इस टाइम पर टोटल एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, जीरो। ये स्टेप नंबर सेवंथ था। एट्थ स्टेप के अंदर, अच्छा भाई एट्थ स्टेप में क्या होगा, एट्थ स्टेप में फिर से वही, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के ऊपर इधर प्लस के चार्ज आ, प्लस चार्ज आ जाएंगे, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ये आई करंट यहां से जा रहा है, ये आई करंट जा रहा है, यहां पर ये मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। इस टाइम के ऊपर फिर से क्या होगा, इस टाइम पे आधी एनर्जी, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में होगी, कुछ एनर्जी मैग्नेटिक की फॉर्म में होगी। ये एट्थ, और नाइन्थ में क्या हो जाएगा बेटे, नाइन्थ में फिर से जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था, यहाँ पर टोटल करंट जीरो हो जाएगा, कंप्लीट एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये इस तरह से रिपीट करती रहेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है बेटे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो फिर हमें एक बार लाइट हम लगाएंगे, ठीक है, किसी फैन को, हम सपोज करो फैन को एक बार हम करंट देंगे, कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फैन घूमता रहेगा, उसको बाहर से कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो ऑसिलेशंस होंगी, हम ऑसिलेशंस की बात करते हैं, अगर आइडियल कंडक्टर है, आइडियल एलसी सर्किट है, तो एनर्जी जो है वो कम नहीं होगी। देखा था ना आपने, फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड पार्ट में भी उतनी ही एनर्जी थी, अगर थर्ड पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पर भी उतनी ही एनर्जी आएगी। क्लियर है? वहां पर भी उतनी ही एनर्जी आएगी। तो फॉर आइडियल, आइडियल कैपेसिटर के लिए, फॉर आइडियल कैपेसिटर एंड इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए कैसी ऑसिलेशंस रहेंगी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन रहेंगी। कैसी ऑसिलेशंस रहेंगी भाई, हमारे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस रहने वाली हैं, ये जो कि टाइम के साथ टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। टाइम के साथ टोटल एनर्जी क्या रहेगी, यहां पर सेम एनर्जी रहने वाली है, ये एनर्जी, ये टाइम। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो है, हम किसी भी एलसी सर्किट को जब एनर्जी देते हैं, चार्ज देते हैं, तो उसके अंदर ये इस तरह से एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, ये होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। प्रैक्टिकली क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं। आइडियल के लिए क्या होंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे, ये एनर्जी और टाइम के बीच में। प्रैक्टिकल समझ में आया बेटे? प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कहाँ इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, हम इसको एक किसी भी एक डिवाइस के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे हमारा फैन है, अगर आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर हमें मिल जाए तो हमें एक बार उसको एनर्जी देने की जरूरत है, फिर कभी उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं रहेगी। वो एनर्जी मैग्नेट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इस तरह से कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, और वो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था बेटे, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आप पहले तो इनको नोट करो और अपनी बुक से इस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ो। चलो न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, मैं लिख लेता हूँ, तब तक आप अपनी बुक को पढ़ो, अपना बुक नोट बुक लेके साथ बैठा करो बेटे, ठीक है, बुक साथ लेके बैठा करो, उसमें से एक बार इस टॉपिक को पढ़ो, तब तक मैं न्यूमेरिकल नोट डाउन करता हूँ। हाँ बेटे, ये न्यूमेरिकल है,
एन एल सी सर्किट कंटेन्स ए 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड ए 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम. इनिशियल चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम. द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेग्लिजिबल. रेसिस्टेंस जो है सर्किट का नेग्लिजिबल है, मीन्स अभी हमने डिस्कस किया आइडियल इंडक्टर कैपेसिटर है. लेट द इनिशियल सर्किट इज क्लोज विद टाइम टी जीरो पर क्लोज था. हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली. पहले टोटल कितनी एनर्जी स्टोर थी. इज इट कंजर्वेटिव ड्यूरिंग एलसी ओसिलेशन. क्या एनर्जी कंजर्वेटिव रहेगी एलसी ओसिलेशन के दौरान. दूसरा हमें व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट. इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी. थर्ड बेटे हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है एट व्हाट टाइम एनर्जी स्टोर्ड इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक. किस टाइम पर कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी और कम्प्लीटली मैग्नेटिक होगी. दो पार्ट हैं. फोर्थ एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर. किस टाइम पर इंडक्टर और कैपेसिटर में टोटल एनर्जी जो है वो इक्वली शेयर होगी. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले न्यूमेरिकल जब करते हो तो आप बेटे गिवन दिखा करो. क्या क्या गिवन है. गिवन है हमारे पास एल की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स 20 × 10⁻³ हेनरी. मिली हेनरी है. मिली मीन्स 10⁻³. नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 50 μF विच इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैराड. माइक्रो है ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट हमें इनिशियल चार्ज दे रखा है क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट दे रखा है विच इज 10 μC 10⁻³ कूलम. ये तीन चीजें हमें यहाँ पर गिवन है. हमें क्या कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली. इनिशियली एनर्जी ए पार्ट हम कर रहे हैं. इनिशियली एनर्जी जो थी वो किस फॉर्म में थी भाई. अभी आपने डिस्कस किया था कैपेसिटर की फॉर्म में थी. किस फॉर्म में थी वो. कैपेसिटर की फॉर्म में थी क्यू नोट स्क्वेयर बाय 2C. क्यू नोट स्क्वेयर बाय 2C. क्यू नोट की वैल्यू कितनी थी 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी 50 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 2. सॉल्व करेंगे बेटे 6 ये कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 भी था इसके साथ. 50 × 100 से 100 कैंसिल 10. इनिशियल कितनी एनर्जी आएगी भाई. इनिशियली एनर्जी कितनी होगी 10. क्या इसी में दूसरा पार्ट कह रहा है बेटे. इज इट कंजर्वेटिव ड्यूरिंग एलसी ओसिलेशन. क्या एलसी ओसिलेशन के दौरान ये कंजर्वेटिव होगी. होगी भाई. अभी हमने टॉपिक किया था ठीक है. उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये क्या होगी कंजर्वेटिव होगी. ये मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी. मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी. इस तरह से रहेगा. नेक्स्ट बी पार्ट हमें दे रखा है बेटे व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटे. नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी होगी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1/2π अंडर द रूट LC. नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कितना होगा 1/2π अंडर द रूट LC. वैल्यूज पुट करो बेटे. यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है 1/2π. L की वैल्यू जो हमारी गिवन है बेटे 20 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हमारी रहेगी स्टूडेंट्स 100 × 10⁻³ ठीक है. हम इसको सोल्व कर देंगे 20 × 100 एल सी कैपेसिटी है बेटे 50 × 10⁻⁶. इसको आप सोल्व कर लेना. दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट. ये क्या आ जाएगा इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी. पार्ट सी हमें कैलकुलेट करना है. पहले इसको नोट करो स्टूडेंट्स और इसको सोल्व भी करके देखो. हाँ कर लिया नोट. चलो पार्ट सी को हम करते हैं. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर. टोटल एनर्जी स्टोर कितनी होगी.
पार्ट सी है हमारे पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पार्ट सी का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, टोटल कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटे कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी थी जब क्यू किसके इक्वल था, क्यू नोट के इक्वल था, प्लस माइनस क्यू नोट। देखो एक बार सर्किट के अंदर इधर पॉजिटिव थे इधर नेगेटिव थे, दूसरी बार यहां पर कंप्लीटली पॉजिटिव थे यहां पर कंप्लीटली नेगेटिव थे, तो एक को हम प्लस लेंगे एक को हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब होगी, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जब टोटल एनर्जी किसमें होगी, टोटल एनर्जी कैपेसिटर में होगी। टोटल एनर्जी मस्ट बी इन कैपेसिटर, टोटल एनर्जी भाई हमारी किसमें होनी चाहिए, कैपेसिटर में होनी चाहिए। क्लियर है पक्का? एट एनी इंस्टेंट डायग्राम भी बना लो टाइम के विद रिस्पेक्ट, ये टाइम टी जीरो, ये टाइम कितना हो जाएगा टी बाई टू, ये टाइम कितना हो जाएगा टी, ये टाइम कितना हो जाएगा थ्री टी बाई टू। तो हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी है डियर स्टूडेंट्स कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एट एनी इंस्टेंट जो चार्ज है, एट एनी इंस्टेंट क्यों किसके इक्वल था, क्यों नोट कोस ओमेगा टी के इक्वल था, क्यों किसके इक्वल था क्यों नोट कोस ओमेगा टी, समझाया था ना कोस ओमेगा क्यों लिया गया है, क्यों इज इक्वल टू क्यों नोट कोस ओमेगा टी। वैल्यू पुट करते हैं बेटे, क्यों इज इक्वल टू क्यों नोट कोस ओमेगा की जगह पर टू पाई बाई टी। अब देखो ये वैल्यू वन आनी चाहिए तभी क्यों क्यों नोट के इक्वल आएगा बेटे, जब ये वैल्यू ये कंप्लीट वैल्यू जो थी हमारी कोस ओमेगा टी ये वन आएगी तभी तो क्यों क्यों नोट के इक्वल रहेगा। तो इसके लिए ये कोस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए तब वन बनेगा। तो यहां पर पहले तो हम जीरो पुट करते हैं, टाइम टी किसके इक्वल है जीरो के इक्वल, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा कोस टू पाई बाई टी इंटू जीरो जीरो कोस जीरो वन। तो हमारा टाइम कितना होगा टी की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स जीरो होगी। नेक्स्ट किस टाइम पर ये जीरो रहेगी, किस टाइम पर जीरो रहेगा, देखो किस टाइम पर जीरो रहेगा बेटे, जीरो का मतलब माइनस वन, कंप्लीट जीरो नहीं, ये कोस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए, कोस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई जीरो होनी चाहिए। ठीक है तो यहां पर हम नेक्स्ट देखो टी बाई टू पुट करें, टी बाई टू पुट करें, टी से टी कैंसल टू से टू कैंसल, कोस पाई कितना हो जाएगा कोस 90, कोस 90 अगेन क्या हो जाएगा जीरो। एक मिनट बेटे देखते हैं, एक मिनट रुको बेटे, देखो ये क्या हो जाएगा कोस पाई, अब कोस पाई क्या होता है माइनस वन, तो चार्ज ये माइनस वन की कंडीशन ये आ गई, तो ये हो जाएगा टी बाई टू। नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट कंडीशन यहां पर होनी चाहिए कोस ओमेगा टी है, तो इसको मैं यहां पर एक छोटा है ये समझ में आ गया ना, अब ये क्या होना चाहिए क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी, टी से टी कैंसल कोस टू पाई 360 विच इज इक्वल टू वन, तो टी के ऊपर फिर क्या हो जाएगा बेटे थ्री टी बाई टू, फिर 2t, फिर 5t by 2। इस टाइम पर कंप्लीटली एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी। हमारी कंप्लीट एनर्जी किस फॉर्म में होगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर होगी।
क्लियर है। अब इसी का हमें सेकंड पार्ट करना है, कंप्लीट एनर्जी किस फॉर्म में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। तो मैं इस पोर्शन को यहां से मिटा रहा हूं और इसी से आपको समझ में आ जाएगा, कंप्लीट एनर्जी सी टाइप का सी पार्ट का सेकंड हम कर रहे हैं, कंप्लीटली कंप्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी, कंप्लीटली एनर्जी कौन सी होनी चाहिए बेटे, मैग्नेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक एनर्जी में कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी हो, जीरो, क्यों मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्यों होनी चाहिए जीरो। तो इक्वेशन क्या थी, क्यों इज इक्वल टू क्यों नोट कोस ओमेगा टी। अब हमें टी की वो वैल्यू पुट करनी है कि ये कंप्लीटली क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहां पर देखो टी इज इक्वल टू टी कितना होगा, क्यों इज इक्वल टू क्यों नोट कोस ओमेगा की जगह पर टू पाई बाई टी लिख सकते हैं, ये जीरो होना चाहिए, मीन्स कोस की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो हम यहां पर टी बाई फोर करें, T से T कैंसल, 1 से 2 कैंसल, cos pi by 2 90, cos 90 जीरो, क्यों कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम हमें कितना मिला, T by 4 मिला, फर्स्ट टाइम कितना मिला हमें, T by 4 इस टाइम पर, दिस इज T by 4, क्लियर है। नेक्स्ट सोचो बेटे यहां पर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कितना होगा, 3t by 4 करके देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा 3t by 4, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 3t by 4, सॉरी ओमेगा की जगह 2 पाई by t मल्टीप्लाइड by 3t by 4, t से t कैंसिल, ये हो जाएगा 3 पाई by 2, 3 पाई by 2, 3 पाई कितना, 54 ठीक है, एक मिनट बेटे, 3 पाई पाई 40 का हाफ 270 पर कितनी वैल्यू होगी, अगेन जीरो, अगेन कितनी वैल्यू होगी, जीरो। तो 3t by 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5t by 4, 7t by 4, इस टाइम के ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो कंप्लीटली किस फॉर्म में होगी, सॉरी ऐसे ऑसिलेशन के अंदर कंप्लीटली एनर्जी किस फॉर्म में होगी बेटे, मैग्नेट की फॉर्म में होगी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमें बी पार्ट कैलकुलेट करना है, एट व्हाट टाइम टोटल एनर्जी इक्वली शेयर्ड, टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटे, इक्वली शेयर्ड होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी इक्वली शेयर्ड होनी चाहिए, तो पहले इसको नोट करो फिर करते हैं। टोटल एनर्जी इक्वली शेयर होगी तो चार्ज कितना होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए हाफ, चार्ज कितना होना चाहिए भाई, हाफ चार्ज होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी हाफ, करो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम के ऊपर, देखो क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, टोटल एनर्जी मस्ट बी हाफ, टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए हमारी, हाफ होनी चाहिए। क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c के इक्वल होनी चाहिए, मींस एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए कैपेसिटर में, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी थी, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c थी, तो इसमें हम 2c से तो 2c को कैंसिल करते हैं,
क्यों कितना होना चाहिए बेटे, क्यों बाय रूट टू, क्यों किसके इक्वल होना चाहिए, क्यों बाय क्यों नोट बाय रूट टू के इक्वल होना चाहिए, हमारा चार्ज कितना होना चाहिए, क्यों नोट बाय रूट टू के इक्वल होना चाहिए, बस फिर क्या है कंडीशन अप्लाई कर दो, क्यों इज इक्वल टू क्यों नोट साइंस क्यों नोट कोस ओमेगा टी था, क्यों इज इक्वल टू क्यों नोट कोस ओमेगा टी था, ठीक है। तो इसको यहाँ रफ पेज रफ में करके देखो, क्यों इज इक्वल टू क्यों नोट कोस ओमेगा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टू पाई बाई टी। देखो वन बाई रूट टू कहाँ आता है, वन बाई रूट टू 45 में आता है, कहाँ पर आता है 45 में आता है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, सोचो थोड़ा है बेटे, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, टी बाई एट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, टी बाई एट करके देखो, टू से टू कैंसल, 360/8 बचा है 45, तो टी बाई एट नहीं आएगा, तो क्यों कितना होगा टी बाई सॉरी टाइम कितना आएगा हमारा टी बाई एट। सेकंड टाइम कितना होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी आवर सेकंड टाइम, सेकंड टाइम होगा बेटे 3t/8, पुट करो 3t/8, टी से तो टी कैंसिल, 1/4 ठीक है, 1/4 आया, ये 3π/4, पाई कितना 180, 550, 540/4, 4 1 4, 4 135, 135 पर कितनी वैल्यू होती है, 1/√2 तो होती है बेटे माइनस में होती होगी, ठीक है, फिर कितना होगा 5t/8। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से आया भाई समझ में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल था, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आते हैं, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए जो हमने की थी, ठीक है। तो एलसी ऑसिलेशन का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट है बेटे, हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ट्रांसफार्मर, टुमारो वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 7, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करें, थोड़ा छोटा चैप्टर है, फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, छोटा सा चैप्टर है, हम उसको करेंगे स्टार्ट। पहले बेटे इनको रिवाइज करो, एलसी ऑसिलेशंस और ट्रांसफार्मर बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज हम एलसी ऑसिलेशन कर रहे हैं, कल करेंगे ट्रांसफार्मर, क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।